अगर आप श्री माता वैष्णो देवी दर्शन करने के लिए आते हो तो आप इस कटरा बाजार में घूमना मत भूलिएगा, क्योंकि जिस तरह से लोग नैनीताल जाते हैं, शिमला जाते हैं, मनाली जाते हैं, तो वहाँ पे लोग माल रोड जरूर जाते हैं ख़रीदारी करने के लिए, घूमने टहलने के लिए, खाने पीने के लिए। उसी तरीके से श्री माता वैष्णो देवी में कटरा बाज़ार बहुत ही मशहूर है। हम आपको बताएंगे कि यहाँ तक आप कैसे पहुँच सकते हो। जैसे आप कटरा बस स्टैंड से आप बाहर निकलोगे, साइड में ही आप यहाँ पर सामने की ओर देखोगे, एक गली आपको यहाँ पर दिख जाएगी। यहाँ पे साइड से देखोगे तो ये आपको एक गली दिख जाएगी, यहीं से कटरा बाज़ार स्टार्ट हो जाता है। यानी कि यहाँ पे आपको हर एक चीज़ खूबसूरत नज़ारे आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे हर एक तरह का कपड़ा, हर एक तरह के कंबल आपको देखने को मिल जाएंगे। घर के सजाने के लिए भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, खाने पीने की हर एक नई नई चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। होटल्स भी यहाँ पर हैं खाने पीने के लिए, अगर आप रुकना चाहते हो तो यहाँ पे आपको कई सारे इसी लाइन में आपको होटल्स मिल जाएंगे, जो कि 500 रुपये स्टार्टिंग है डबल बेड के। आप अपने फैमिली के साथ में यहीं पे रुक सकते हो। लोग जब श्री माता वैष्णो देवी दर्शन करने के लिए जाते हैं तो इसी रूट से जाते हैं, खूबसूरत नज़ारा देखते हुए। और यहीं से लगभग आपको 2-2.5 किलोमीटर चलना होगा, उसके बाद में आपको बाणगंगा चेक पोस्ट आता है, वहीं से आपको श्री माता वैष्णो देवी की पैदल यात्रा यहाँ पर करनी होती है। जो लोग यहाँ से जाते हैं तो इस तरह का नज़ारा आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा। जिस तरह से दिन का नज़ारा आपको खूबसूरत मिलता है देखने के लिए, उसी तरीके से उससे और भी ज़्यादा आपको नाइट का भी नज़ारा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो बने रहिए वीडियो में, हम भी आपको बताएँगे कि आप नाइट का नज़ारा कैसे देख सकते हैं श्री माता वैष्णो देवी के कटरा बाज़ार में। हर एक चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगी, खूबसूरत चीज़ें मिल जाएंगी जो आप अपने घर के लिए ले जा सकते हो, सजाने के लिए। खाने पीने की चीज़ें भी यहाँ पे हर एक तरह का आपको मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे कपड़े ख़रीदने चाहते हो तो कपड़े भी मिल जाएंगे, तो यहाँ पे देख सकते हो। आप अपना फ़ोटो भी यहाँ पे क्लिक करवा सकते हो श्री माता वैष्णो देवी, जो कि पिंडी रूप में यहाँ पे हैं। और यहाँ पे रूम भी आपको मिल जाते हैं, अगर आप रूम लेना चाहते हो तो 500 रुपये से स्टार्ट हो जाते हैं रूम डबल बेड के, आप ले सकते हो। आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसी लाइन में आना पड़ेगा, इसी कटरा बाज़ार होते हुए आना पड़ेगा। और साइड में ही आपको कई सारे होटल्स मिल जाएंगे, जो आप यहाँ पर होटल्स ले सकते हो। तो चले हम आपको दिखाते हैं नाइट का नज़ारा, और अभी कुछ इस तरह का दिन का नज़ारा है और नाइट का नज़ारा आपको बहुत ही खूबसूरत आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा। तो अभी हम नाइट का यहाँ पे आपको व्यू दिखा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमने नाइट के समय में शूट किया था इस वीडियो को, जब मैं बाहर आया था अपने रूम के, और रूम मैंने इसी गली में लिया था जो कि 500 रुपये से स्टार्ट था। 500 रुपये का अच्छा खासा रूम मिल गया था अपने फैमिली के लिए डबल बेड का। और रात का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। जब हम यहाँ पे आए थे तो प्रसाद खरीदे थे, कुछ अपने घर के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदे थे, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा रहता है। और थोड़ा सा इन्जॉय भी यहाँ पर आपको यहाँ पे करने के लिए आपको मिल जाता है हर एक चीज़। और यहाँ पे आपको बाहर दिखाते हैं, ये देख सकते हैं लगभग 6:30 से 7 बजे का टाइम है, और यहाँ पे देख सकते हो श्री माता वैष्णो देवी का भवन आपको देखने को मिल जाएगा। और ये रहा अर्धकुमारी भवन, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, जो कि यहाँ से लगभग 7-7.5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ेगा, यहाँ से जब अगर आप पैदल यात्रा करते हो। और नाइट का नज़ारा यानी कि शाम का नज़ारा कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। और जब नाइट होगी तो और भी लाइटें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी, जो कि बेहद ही खूबसूरत आपको नज़ारा देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप श्री माता वैष्णो देवी दर्शन करने के लिए आते हो तो कटरा बाज़ार जरूर घूमिएगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।